हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आपके अपने चैनल सच्ची लाइव व्लॉग्स में एक बार फिर से स्वागत है। अब अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी मशीन लगा रखी है, तो जो बेड की चादर है वो तो हमने चेंज कर दी है। बस अभी तकियों के कवर चेंज करने रहते हैं, अभी वही चेंज कर रही हूँ मैं, क्योंकि कई दिन हो गए थे चेंज नहीं की थी, तो और ज़रूरी भी होता है। हफ्ते में मैं चेंज कर ही देती हूँ, और इस सिचुएशन में तो वैसे भी जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए। जो तकिए के कवर हैं इनको मैंने सुई के साथ सिला हुआ है, क्योंकि कई बार ये होता है कि बाहर निकल जाते हैं, गंदा सा लगता है और ख़राब भी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इनको सील दिया था। और अभी वो धागा निकाल रही हूँ मैं, और मैंने गेट को भी बंद कर रखा है क्योंकि बाहर सब्ज़ी बन रही है और जो उसका तिड़का लगाते हैं ना, फिर उससे वो थोड़ा स्टिचिज आए हैं उसकी वजह से उनमें दिक्कत हो जाती है इस वजह से। और हवा चल रही है और बार बार गेट भी खुल रहा है। और आज है शनिवार और मेरी बेटी आज 8 दिन की हो गई है। बस अभी दूध पिला के सुला दिया है मैंने उसको। पहले तो वो बाहर थी जब चादर वगैरह चेंज की, और अभी अंदर लेके आई हूँ मैं उसको। और फ्रेंड्स, मैं छोटी छोटी क्लिप डाल मतलब कि आप सबके साथ शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बस जो जितना थोड़ा थोड़ा करके मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगेगा और आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियो की मतलब मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आपके साथ अपना जो मॉर्निंग है, जो हल्का फुल्का मतलब कि मैं रूटीन वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे 8 दिन की गुड़िया हो गई है, तो मुझे लगता है कि सारा दिन तो देखो हम बेड पर लेटे नहीं रह सकते। उस तो गर्मी का मौसम है, वैसे भी गर्मी लगती है और सारा दिन लेटे भी नहीं रह सकते, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने बेडशीट चेंज कर दी, और जो कभी मतलब है कि कपड़े वगैरह को तय लगा देती हूँ हल्की फुल्की, ज़्यादा तो नहीं करती मैं, और ज़्यादा बनता भी नहीं है इस सिचुएशन में। और दो तकिए के कवर उनको तो मैं चेंज कर दिया, दो मुझे नए मिल रहे वही ढूंढ रही हूँ मैं, मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज़ इनको ऐसे ही रखना पड़ेगा, और जब इनको वॉश हो जाएगा दोबारा से फिर ये लगाने पड़ेंगे। वैसे मेरी नानी मुझे कुछ भी करने नहीं देती, बोलती है कि बहुत टाइम है, बाद में करना, अभी मत कर, अभी तो तेरे को लग रहा है कि तू ठीक है, लेकिन जब उठेगी तब पता लगेगा, जब सारे शरीर में दर्द होगा। तो इसलिए बस मैं सोचती हूँ कि सारा दिन पड़ी पड़ी मैं बोर हो रही हूँ, तो कुछ कर लेती हूँ। और तो सब कुछ चेंज कर दिया है, सिर्फ एक जो बेबी का बिस्तर है वो चेंज करना रहता है, और जो तकिए कवर है वो मुझे नहीं मिले, तो इनको मैंने ऐसे ही रख दिया है, और धुलने के बाद दोबारा से फिर सेट कर दूँगी मैं, और तब तक इनको ऐसे ही रखूँगी, इनको हम मतलब यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि फिर गंदा हो जाता है। तो बस अभी दो तकिए रख रहे हैं, वैसे मैं 4 तकिए रखती हूँ अपने बेड पर। वैसे अब तो मुझे ज़रूरत भी है, क्योंकि सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है मुझे, और अभी जो बेबी का बिस्तर है वो चेंज कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये भी धुल जाएगा। और वैसे भी फ्रेंड्स, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि बेबी का वेट कितना है, लेकिन मेरे पास फिर कमेंट आ रहे थे कि आप बेबी का वेट नहीं बताया आपने, शायद आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो इस वजह से आपको नहीं पता लगा, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, कोई बात नहीं। वैसे मैंने जो फर्स्ट वीडियो डिलीवरी की डाली थी उसमें बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जो बेबी है, जो मेरी फर्स्ट गुड़िया थी, वो तो सिर्फ 2 किलो की हुई थी, बहुत कमज़ोर थी वो, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में ठीक है। ये है 2.5 और 3.5 के बीच की है, इतना है मतलब ठीक है उसके कंपैरिजन में। और जो पूरा बेड है वो सेट हो चुका है, और बेबी का भी इस तरह वो भी सेट हो गया। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का छोटा व्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके बाय एंड टेक केयर।